डिफॉर्मेशन मीन्स पार्टिकुलर टाइम के लिए डिफॉर्मेशन कैसा हो रहा है, फिक्स्ड। दैट्स व्हाई सॉलिड्स आर नॉट कंसिडर्ड एज फ्लूड। अगर कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता तो फिर इसको हम फ्लूड बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक बोलते क्या है इसको, राइट डाउन। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ बिहेवियर ऑफ fluids, liquid or gases at rest or in motion is called fluid mechanics। मतलब it is a branch of science। हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे इसमें, fluids का behavior कहाँ पे, rest पे और इन मोशन, उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। देयर आर थ्री ब्रांचेस। फर्स्ट वन इज योर फ्लूइड स्टैटिक्स, सेकंड वन फ्लूइड स्टैटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक्स। मतलब रेस्ट पे जो भी स्टडी हम लोग करेंगे उसको बोलेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। नेक्स्ट ब्रांच इज, सेकेंड वन इज फ्लूइड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन, मोशन विदाउट कंसीडरेशन ऑफ प्रेशर फोर्सेस इज कॉल्ड फ्लूइड काइनेमैटिक्स। मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड का स्टडी मोशन में और जो प्रेशर फोर्स होगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं फ्लूइड काइनेमैटिक्स। थर्ड ब्रांच इज योर फ्लूइड काइनेटिक्स और फ्लूइड काइनेटिक्स स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन विथ कंसीडरेशन ऑफ प्रेशर फोर्सेस इज कॉल्ड फ्लूइड काइनेटिक्स। मतलब फ्लूइड का स्टडी मोशन में करेंगे और यहाँ पे जो प्रेशर फोर्सेस होंगे वो कंसिडर्ड होंगे, उसको बोलते हैं फ्लूइड काइनेटिक्स। सो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स वी विल स्टडी। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज यूज्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स। What are the laws? First one is conservation of mass। ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं mass। Second law है conservation of energy। Third Newton second laws। फोर वन इज योर
प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, मतलब दीज आर द लॉज, जो भी कोई भी क्वेश्चंस होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में वो फ्रीक्वेंटली यूज होंगे. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट मास लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना है, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम. वी हैव ऑलरेडी स्टडीज दीज टॉपिक्स इन प्रीवियस क्लासेस. नेक्स्ट टॉपिक इज योर टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स. फ्लूइड्स के कौन कौन से टाइप होते हैं? फर्स्ट वन इज योर आइडियल फ्लूइड, सेकेंड वन इज योर रियल फ्लूइड, थर्ड वन इज योर न्यूटोनियन फ्लूइड, फोर्थ वन इज योर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड और एक और होता है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड. तो आइडियल फ्लूइड मींस आइडियल फ्लूइड किसको बोलेंगे? फ्लूइड विच पजेस नो विस्कोसिटी, मतलब ऐसा फ्लूइड जिसमें विस्कोसिटी नहीं हो. तो ये तो इमेजिनरी फ्लूइड है, इट इज़ नॉट पॉसिबल. कोई भी फ्लूइड्स होंगे तो उसमें विस्कोसिटी तो होंगे ही होंगे. रियल फ्लूइड, फ्लूइड विच पजेस विस्कोसिटी इज कॉल्ड रियल फ्लूइड. मतलब ऐसे फ्लूइड जिसमें विस्कोसिटी होंगे उसको रियल फ्लूइड बोलते हैं. तो जितने भी फ्लूइड्स होंगे वो सब रियल फ्लूइड होंगे. थर्ड वन इज योर न्यूटोनियन फ्लूइड. न्यूटोनियन फ्लूइड मींस फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy. इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट. मतलब ऐसा फ्लूइड जिसमें शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ इज योर शियर स्ट्रेस du/dy वेलोसिटी ग्रेडियंट. अगला टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स तो उसमें विस्कोसिटी में वेलोसिटी ग्रेडियंट इन डिटेल वी विल स्टडी. सो फोर्थ वन इज योर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस टाउ इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dy. मतलब ऐसे फ्लूइड जिसमें शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी ग्रेडियंट के नहीं होंगे उसको बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. इसका एक नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे. इट इज़ अ इंट्रोडक्शन पार्ट. सो वी आर दिस वन इज योर शियर स्ट्रेस टाउ, दिस इज du/dy वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो दिस इज योर आइडियल फ्लूइड, दिस इज योर न्यूटोनियन फ्लूइड, दिस इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, दिस वन इज ऑल्सो आइडियल फ्लूइड एंड दिस इज कॉल्ड आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड.
So this is the graph of types of fluid. This is ideal fluid. This one is Newtonian fluid, non-Newtonian fluid. This is ideal plastic fluid. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म इस पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज होगा, दैट इज योर प्रेशर एंड सेकेंड वन इज योर, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं स्ट्रेस. तो प्रेशर क्या होता है? इन स्ट्रेस हम लोग बोलते हैं फोर्स बाय रेसिस्टिंग एरिया. इसको भी हम लोग पढ़ते हैं फोर्स बाय रेसिस्टिंग एरिया. दोनों का यूनिट सेम है, लिसन केयरफुली. दोनों जो प्रेशर और स्ट्रेस है दोनों का यूनिट सेम है, बट देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ टर्म्स. ये जो फोर्स है इन केस ऑफ प्रेशर, यहां सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल फोर्स ओनली बाय रेसिस्टिंग एरिया. इन केस ऑफ प्रेशर जो फोर्स होगा वो होगा नॉर्मल फोर्स. मतलब कंसीडर अ फ्लूइड, ये फ्लूइड है, फ्लूइड के सरफेस पे ये जो फोर्स लग रहे हैं सब किस टाइप के फोर्स हैं? परपेंडिकुलर फोर्स. ये जो मतलब फ्लूइड में हमेशा किस टाइप के फोर्स लगेंगे? नॉर्मल फोर्स. मतलब फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल फोर्स. तो इन केस ऑफ प्रेशर इट विल बी नॉर्मल फोर्स पर बाय रेसिस्टिंग एरिया. इन केस ऑफ स्ट्रेस जो ये फोर्स होंगे इट मे बी नॉर्मल फोर्स और शियर फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स और जितने भी तरह के फोर्स तुम अभी तक सुने हो वो डिवाइडेड बाय रेसिस्टिंग एरिया होता है. सो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ. यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर. दोनों का यूनिट सेम है बट यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, शियर फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स एंड जितने भी टाइप का फोर्स डिवाइडेड बाय रेसिस्टिंग एरिया होता है. आई होप दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस क्लासेस. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. थैंक यू वेरी मच.